सो गाइस ये चेक करो, यहाँ पे अपनी दो ड्यूक खड़ी हुई है। एंड ड्यूक इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि मेन टाइटल है ड्यूक का ही। तो ड्यूक के बारे में आज बात करें तो ड्यूक में जैसे मान कर को अभी मैंने आपको बोला था, सबसे फर्स्ट बोला था आपकी क्लच प्लेट के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता ही होगा गाड़ी में अगर हम ज़्यादा मतलब क्लच को दबाए रखते हैं और फूसा फूसा कर रहे रहते हैं या वन राउंड वगैरह ज़्यादा मारते हैं या स्टॉप ही बिजली मारने का जिस बंदों का शौक होता है उनकी क्लच प्लेटें जल्दी से फूक जाती हैं। ठीक है, जल्दी क्या मतलब जो चलने वाली होती है 20,000, फिर वो 15,000 चलती है, मतलब इतना मतलब एक आइडिया जान लो। ठीक है, और जो क्लच प्लेटें होती हैं वो तो अभी दिखा दूंगा। एंड क्लच प्लेटें कहाँ पे लगती है ये पहले जान लो। तो क्लच प्लेटें जो भी रहती हैं वो रहती है राइट हैंड साइड में, जिसका काम तो जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया, जिस काम होता है भाई साहब मतलब गाड़ी में पिकअप, मतलब भाई भागना, गाड़ी को भागना, मतलब वो होती नहीं आते वगैरह दुलुल पूरे किटनी उटनी सब वही होता है भाई साहब। अगर क्लच प्लेटें हैं तो जान है, जैसे कि तुमने देखा होगा अक्सर लोग स्प्लेंडर में अपाची की डाल देते हैं, देखा होगा ना, तो पिकअप बहुत तगड़ा हो जाता है। तो बस वही है, पिकअप उकअप को सब जो काम होता है ना, और एकदम से पिकअप पकड़ लेना, आगे को भग जाना, तो सारा का सारा मतलब डिटेल में बताना चाह रहा हूँ वो होता है अपने क्लच प्लेटों का। तो क्लच प्लेटें जो कि रहती हैं वो लगती हैं अपनी राइट हैंड साइड में, अपनी क्लच प्लेटें खोलने के बाद में यहाँ पे लगती हैं, जैसे कि अभी मैं आपको वो दिखा भी दूंगा एंड कितने की आती हैं वो भी दिखाऊंगा। तो जैसे कि आज की वीडियो का टॉपिक है वो होने वाला है जैसे कि ड्यूक 125 हो गई, ड्यूक RC हो गई, और मॉडल कोई सा भी हो भाई, RC में या ड्यूक में मॉडल कोई सा भी, बस 125-200 हो तब उसके ऊपर अगर आपकी गाड़ी है तो देखना, या नई भी है दोस्ती है तब भी वीडियो देखना, बहुत धमाकेदार हो जाएगी। तो भाई अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया तो इसमें कितना खर्चा जाता है, मान लो ख़राब हो गई जो मैंने अभी प्रॉब्लम बताई, अगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, पिकअप वगैरह नहीं मिल रहा, तो आपका कितना खर्चा होगा। तो भाई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सिंपल है, क्लच प्लेटें जो कि इसमें ख़त्म हो जाती है, क्लच प्लेटें आती हैं इसकी सिर्फ और सिर्फ 1146 रुपये की। और जो 1146 रुपये की है ये अपने मतलब वर्कशॉप वाली है, मतलब एकदम ओरिजिनल भाई, जेनुअन एकदम ओरिजिनल। तो ये आपको पड़ेंगी सिर्फ और सिर्फ 1146 रुपये की। एंड बात करें इसके साथ में जो प्रेशर प्लेटें लगती हैं वो जस्ट अभी मेरे पास में है नहीं, ऑर्डर हो गया खत्म, पिथौरागढ़ पार्ट भिजवा दिया था, अभी एक ये पेटी बड़ी हुई है इसमें मैंने पैक कर दिया था, तो ये पेटी भी अभी जाएगी मतलब पिथौरागढ़। तो अपना जैसे कि तुम्हें पता ही अच्छा खासा काम मतलब चल रहा है अभी, तो इसी वजह से तो भाई तो समझ ही गए होगे। तो अभी प्रेशर प्लेटें है नहीं, वो भी अपने आती है 250-300 के बीच में, एंड ये आपको मैंने बता ही दिया। तो जब भी डलवाओ कंप्लीटली डलवाना, फिर आपकी गाड़ी में जान आ जाएगी। अगर नहीं भग रही है, भग भी रही है तो कम भग रही है, 40-50 भग रही है, 70 भग रही है, इससे ऊपर जा नहीं रही है, तो क्लच प्लेटें ही अक्सर खराब होती है। एंड क्लच प्लेटें होती कैसी है ये भी अभी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो क्लच प्लेटों को खोलने के लिए नॉर्मली पहले तो इसके टेप को काटते हैं एंड दिखाते हैं आपको। ठीक है गाइस, बने रहना, देखो बिल्कुल भी कटआउट वगैरह नहीं करूँगा, कटआउट का मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल भी वीडियो को एडिट नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कुछ फेक लगे, बिल्कुल रियल देखने को मिलेगा, बिल्कुल एकदम रियल। तो ये चेक करो, क्लच प्लेटें कुछ ऐसी होती हैं। एंड जब भी आप ना क्लच प्लेटें चेंज कराओ तो इंजन ऑयल भी चेंज करा लेना, एंड अगर इंजन ऑयल तुमने सर्विस कराई है जल्द ही और क्लच प्लेटें फूक गई तो हाँ थोड़ा सा उसे क्लीन उलीन करने के बाद में, छान उनने के बाद में फिर डाल देना, मतलब जो अपना मतलब इंजन ऑयल होता है ना वो उसके लिए। और इंजन ऑयल हमेशा KTM की जितनी भी गाड़ी है सभी में डाला करो, मोटुल का BW50 सनसेटिक, ठीक है, तो यही डाला करो। जो अगर आपकी 125 है या फिर 200 है तो वही डाला करो, ठीक है, अगर 250 है या 390 है उसके पे वो दूसरी वीडियो का टॉपिक है वो बता देंगे। बाकी जो ये क्लच प्लेटें होती हैं चाहे मॉडल तुम्हारा कोई सा भी हो, 15 से लेकर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 लाखों कोई सा भी हो, मतलब लाखों से नहीं, सॉरी यार अभी 24 चला है, 24 में जो भी 125 आ रही है चाहे RC हो ड्यूक हो सब में लग जाएगा, चाहे वो पुरानी हो, ये क्लच प्लेटें सभी की सेम ही होती हैं। ठीक है, तो गाइस बता दिया मैंने आपको, एंड इसी की प्रॉब्लम होती है, ध्यान से देख लो इस पार्ट को, ये देखो इस पार्ट की वजह से तुम्हें लगता है कि यार इंजन का काम होगा ये है वो, नए बंदे को वैसे जो अपने भाई नोकल के बंदे हो सभी को पता होता है, बट जो नए बंदे होते हैं ना उन्हें पता नहीं होता है, फिर उन्हें एक ही दिमाग में आता है कि यूट्यूब पर सर्च करके देखें क्या दिक्कत होगी। तो ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं होता, खर्चा टोटल अमाउंट वही आ जाता है तुम्हारा 1500 रुपये, 1500 में तुम्हारी गाड़ी हो जाती है A1, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये, क्योंकि हम भाई 1500 में करते हैं, बाहर वाला बंदा कितने में करता है वो तो हमें नहीं पता यार, क्योंकि हम देखो जो हमारा पार्ट इस पर लिखा रहता है ना जो प्राइस, वो हमारा सिस्टम ना खुद कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है, क्रिएट कर लेता है अपने पास में, तो इसीलिए हम ना तो ज़्यादा बताते हैं नहीं कम बताते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने फिलहाल में आपको बता ही दिया है एंड क्लच प्लेटों के बारे में, तो फिलहाल में यही कुछ मेरे को आपको बताना था।